لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أهله وسلام لأهلها. أما بعد، فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اجعلني فيه من المستغفرين. ناظرين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. माह मुबारक रमज़ान की आज पाँचवीं तारीख है, और इस पाँचवीं तारीख में मासूम अलैहिस्सलाम से वारिद पाँचवें रमज़ान की जो दुआ है उसके साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इंतहाई अहम तरीन जुमला है, मासूम अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस से फरमाते हैं: अल्लाहुम्मा जअलनी फ़ीही मिनल मुस्तग़फ़िरीन। मेरे अल्लाह, मुझे इस महीने में या इस तारीख में इस्तग़फ़ार करने वालों में से करार दे, तेरी बारगाह में तलब मग़फ़रत करने वाला करार दे, तेरी बारगाह में तौबा करने वाला करार दे, अपने गुनाहों पर तुझसे तौबा तलब करने वाला करार दे दे। बेशक इस्तिग़फ़ार जो है वो क्या है, कार्य तौफीकी है। अल्लाह जिसको तौफीक दे दे वही इस्तिग़फ़ार करता है। गुनाह करने तो हर कोई गुनाह कर सकता है, लेकिन इस्तिग़फ़ार की तौफीक हासिल होना ये बहुत आसान काम नहीं है। सवाल ये है कि अगर इस्तिग़फ़ार की तौफीक हो भी जाए, बंदा तलब मग़फ़रत के लिए अपने माबूद की बारगाह में हाजिर भी हो जाए, तो क्या सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के बारगाह में तलब मग़फ़रत के लिए हाजिर होना काफ़ी होगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। क्यों? बल्कि तलब मग़फ़रत के शराइत भी हैं, इस्तग़फ़ार के शराइत हैं, तौबे के शराइत हैं। जब तक उन शराइत को पूरा न किया जाए, मग़फ़रत का तलब करना कोई माना नहीं रखता है। जब तक उन शराइत पर अमल न किया जाए जो तलब मग़फ़रत के लिए ज़रूरी हैं, उस वक्त तक मग़फ़रत का और तलब मग़फ़रत का कोई मतलब नहीं है। शराइत क्या हैं? वाकई इस्तग़फ़ार का शराइत हैं, यानी वाकई अगर कोई आदमी इस्तग़फ़ार करना चाहता है, अल्लाह की बारगाह में तलब मग़फ़रत करना चाहता है, अपने गुनाहों पर जो है वो क्या है तौबा करना चाहता है, तो शराइत है। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि इंसान जो है वो क्या है अपने किए हुए गुनाह पर वाकईन दिल से नादिम हो, शर्मिंदा हो। ठीक है, जब तक इंसान दिल से शर्मिंदा नहीं होगा अपने किए हुए पर, उस वक्त तक मग़फ़रत तलब करने का कोई मतलब नहीं होता है। दूसरे, जो गुनाह किया है उस पर भी और आइंदा अबद तक हमेशा तक हमेशा के लिए किसी भी गुनाह को ना करने का अल्लाह की बारगाह में क्या है इरादा करना, सख्त है वाकई। जो गुनाह किया उस पर शर्मिंदा हो, और जो गुनाह किया है वो गुनाह भी तकरार और आइंदा भी किसी गुनाह का इर्तकाब ना करने का अल्लाह की बारगाह में इरादा रखता हूं। तीसरी शर्त, जिन मखलूकात को उसने अपने अमल से परेशान किया है या उनका हक गस्ब किया है, उनके हक को वापस करें। जब तक उनके हक को वापस नहीं करेगा और माल हलाल खा करके अल्लाह के बारगाह में हाजिर ना होगा, तो वो कि जो माल हराम इस्तफादा किया है उसके बना पर मग़फ़रत का कोई मतलब नहीं रह जाता है। चौथे, शरायत मग़फ़रत में से यह है कि हर वो फरीज़ा के जो तर्क कर चुका हो, छोड़ चुका हो, उसे पूरा करें। वो फराइज़ के जो छोड़ चुका हो, तर्क कर चुका हो, उसे पूरा करें। पांचवें, अपने जिस्म को, रिवायत में अपने जिस्म को इस कदर जो है वो क्या है रंज व अलम में मुबतला करे, मुसीबतों में डाले, कि वो जिस्म जो है वो
अगर माल हराम से पोस बने हैं, इंसान का जो है वो बदन तंदुरुस्त हुआ है, तो उस हराम के असर को जायल करने के लिए माल हलाल से सिर्फ और सिर्फ इस्तफादा करे, और जब तक माल हराम से बने हुए गोश्त और जो है वो तवानाई ख़त्म ना हो जाए, उस वक्त तक अल्लाह की बारगाह में तलब मगफरत का कोई मतलब नहीं होता है। ये रंजो गम और ये दर्द इसलिए सहे ताकि आतिश जहन्नम का एहसास बरकरार रहे, ठीक है, ताकि जहन्नम की आग का उसे एहसास बरकरार रहे। तो ये कम से कम छह शरायत ऐसे हैं कि जिनका होना जो है वो क्या है, अस्तग़फ़ार के लिए ज़रूरी है, बगैर इनके जो है वो क्या है, अस्तग़फ़ार का कोई मतलब नहीं रह जाता है। रवायत है कि एक शख्स मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खिदमत बाबरकत में आता है और कहता है अस्तग़फ़िरुल्लाह। जैसे ही ये कहता है अस्तग़फ़िरुल्लाह, आके बैठता है, मौला फरमाते हैं कि तेरी माँ तेरे सोग में बैठे, तेरी माँ तेरा मातम करें। गजबनाक होकर मौलाना फरमाया गया, तेरी माँ तेरे मातम में बैठा, तेरा सोग मनाए। उसने कहा मौला क्या हुआ? आपने फरमाया कि तलब मगफरत ऐसे नहीं होती है। मौला फिर कैसे होती है? मौला ने इन्हीं छह चीजों को बयान किया जो अभी आपकी खिदमत में हमने बयान किया, ये रवायत है। मौला ने इन्हीं छह शर्तों को बयान किया कि अगर इन शर्तों के साथ तलब मगफरत की जाए तो जो है वो क्या है, बंदे की तौबा कबूल हो सकती है, उसे क्या है, अल्लाह माफ कर सकता है उसके गुनाहों पर। ये शरायत मगफरत है, इसी के लिए मासूम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि बंदा जो है वो इसी जुमले को अपनी ज़बान से अदा करे और वाकई तौर पर अल्लाह के बारगाह में तलब मगफरत भी करे। खूब जाहिर सी बात है कि अगर शरायत हैं अस्तग़फ़ार के तो नतायज भी होंगे, अगर शर्तें हैं तो नतीजे भी होंगे। यकीनन यकीनन अगर कोई शख्स इन शरायत के साथ अल्लाह की बारगाह में अपनी गुनाहों के लिए तलब मगफरत करता है तो उसके नताइज भी मुस्बत बरामद होंगे। फिर से सुने इस जुमले को, यकीनन अगर कोई शख्स इन सारे शराइत के साथ अल्लाह की बारगाह में तलब मगफरत करता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, तो यकीनन यकीनन उस जो है वो तलब मगफरत के मुस्बत और सही नताइज क्या है, बरामद होंगे। खूब, तो फिर नताइज क्या होते हैं तलब मगफरत के, आइए रवायत से पूछते हैं। रवायत कहती है कि इसके जो है वो चार नतीजे निकलने वाले, चार फायदे होने वाले और चारों मुस्बत हैं अगर वाकई शरायत के साथ तलब मगफरत की जाए तो। अव्वल यानी पहले, कसरत इस्तग़फ़ार, अलबत्ता कसरत से इस्तग़फ़ार के लिए ये रवायत जालल्लाहु मिन कुल्ली हम्मिन व ग़म्मिन फरहान। अल्लाह तलब मगफरत करने वाला, ऐसा तलब मगफरत करने वाला जो शरायत के साथ अंजाम दे। शरायत के साथ तलब मगफरत करने वाले के लिए रवायत यह है कि अल्लाह उसे हर हम गम, हर रंज व अलम, हर मुसीबत से क्या है, उसे बाहर निकालता है और उसकी मुसीबतों को, उसके जो है रंज व गम को खुशी में तब्दील कर देता है। दो, मिन कुल्ली खौफिन अमना, और हर तरह के खौफ से क्या है, इस तलब मगफरत करने वाले बंदे को अल्लाह क्या करता है, अमन व अमान बख्श देता है। जाहिर सी बात है अगर जो है वो हर तरीके के खौफ से इंसान महफूज हो जाए तो उसे अमन व अमान मिलना ही मिलना, और फिर उसके दिल में सिवाय खुदा के किसी का खौफ नहीं रह जाता है। ये भी बड़ा कमाल है कि इंसान सिवाय खुदा के किसी से खौफ न खाता हो। तीसरे, मिन कुल ज़ीक़िन मखरज, अल्लाह अस्तग़फ़ार करने वाले को हर तंगी से निकालता है, किसी तरह की कोई तंगी हो, घर की तंगी हो, रिस्क की तंगी हो, नौकरी की तंगी हो, है ना, हालात की तंगी हो, पैसों की तंगी हो, खुशियों की तंगी हो, किसी तरह की भी कोई तंगी हो,
अस्तगफार करने वाले को, वाकई तलबे मगफरत करने वाले को अल्लाह क्या करता है, तंगी से उसे नजात दे देता है। चौथे, वरिज़्क़ुहु मिन हैथु ला यहतसिब, और अल्लाह तलबे मगफरत करने वाले को रिस्क ऐसी जगह से देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता है। तलबे मगफरत करने वाले को अल्लाह रिस्क ऐसी जगह से देता है, ऐसे मकान से देता है, ऐसे ज़राए से फराहम कर देता है कि जिसका उसे गुमान भी नहीं होता कि यहां से भी रिस्क हम तक पहुंच सकता है, यहां से भी रिस्क हमको मिल सकता है। जाहिर सी बात है कि इंसान की सोच क्या है, महदूद है, इंसान के ज़राए महदूद है, इंसान जो है वो बस सोच सकता है कि यहाँ से आ सकता है, वहाँ से आ सकता है, वहाँ से आ सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये तजुर्बा किया होगा कि सोचते हैं कि यहाँ से आएगा, लेकिन अल्लाह जो है क्या है, वहाँ से नहीं बल्कि किसी और जगह से जो है वो रिस्क फराहम कर देता है बंदे के लिए, खसूसी तौर पर। ऐसा उसके लिए है कि जो शराइत मगफरत के साथ अल्लाह के बारगाह में तलब मगफरत करें। तो रिस्क क्या है, इस पर भी एक मुफस्सल बहस हो सकती है, रिस्क क्या क्या चीज़ें हैं। रिस्क में जो है वो हर वो चीज़ की जो इंसान की ज़रूरत में काम आए उसे रिस्क कहा जा सकता है। रिस्क जो है वो क्या है, खाली रोटी कपड़ा या मसलन जो है खाना पीना नहीं है, बल्कि रवायतों में इस सिलसिले में बहुत सारी बातें मौजूद हैं कि रिस्क जो है वो क्या है, सिर्फ खाना नहीं है, रिस्क सिर्फ रोटी नहीं है, बल्कि रिस्क जो है वो क्या है, वो सारी चीज़ें जो इंसान की ज़रूरत को पूरा करती हैं वो सब रिस्क हैं। जिससे इंसान को तसल्ली मिलती है वो रिस्क है, जिससे इंसान को राहत मिलती है वो रिस्क है, जिससे इंसान को सुकून मिलता है वो रिस्क है, जिससे इंसान को क्या है तकवियत मिलती है वो रिस्क है, जिससे इंसान क्या है एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकता है वो रिस्क है, जिससे इंसान जो है वो अपने आप को आसाइश में महसूस कर सकता है वो रिस्क है। खूब इसका मतलब ये है कि जहाँ खाना पीना रिस्क है, वहीं क्या है अच्छी औलाद रिस्क है, अच्छी बीवी रिस्क है, अच्छा घर रिस्क है, अच्छी सवारी रिस्क है, अच्छे दोस्त रिस्क हैं, अच्छे जो है वो हमसाए रिस्क हैं, है ना, अच्छे पड़ोसी रिस्क हैं, अच्छा इल्म रिस्क है, अच्छी सूरत रिस्क है, अच्छी सीरत रिस्क है, अच्छा किरदार रिस्क है, अच्छा अखलाक रिस्क है ना। और न जाने कौन कौन सी चीज़ें इस रिस्क में शामिल हैं, शायद हजारा चीज़ें होंगी जिनकी इंसान को ज़रूरत पड़ती ही पड़ती, ये सब रिस्क में शामिल हैं। अल्लाह ये रिस्क और हर तरह के रिस्क उनको फराहम करता है कि जो वाकई अल्लाह की बारगाह में तलब मगफरत करते हैं और शराइत मगफरत के साथ। ठीक है, अगला जुमला, वजअलनी फीहि मिन इबादिका सालिहीन अल-क़ानितीन, मेरे अल्लाह इसमें मुझे तू अपना सालिह और शाइस्ता और इताअत गुजार और फरमा बरदार बंदा करार दे, है ना, उन बंदों में शामिल कर ले कि जो तेरे सालिह बंदे हैं, जो तेरे इताअत गुजार बंदे हैं, जो तेरे फरमा बरदार बंदे हैं, जो तेरे लायक और शाइस्ता बंदे हैं, अच्छे बंदे हैं, शाइस्ता बंदे हैं, उनमें क्या है हमको शामिल कर ले। वाकई इंसान जो है वो क्या है, उसके लिए सालेह होना आसान है क्या, शाइस्तगी आना दुनिया में ज़िंदगी में इंसान के आसान है क्या, नहीं। शाइस्तगी, लायकियत, इंसान का सालेह होना सब क्या रियाजतों के बाद है, मेहनत के बाद है, अल्लाह की बारगाह में फरमाबरदारी के बाद है, मुकद्दरात इलाही पर सब्र करने के बाद है। وَجَعَلْنِ فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الْقَانِتِينَ, میرے اللہ تو مجھے اس مہینے میں یا اس دن میں اپنے صالح بندے اور شائستہ بندوں میں, فرما بردار اطاعت گزار بندوں میں شامل کر لے, ان میں اس قرار دے دے۔ شائستگی اور صالح کب ہوتا ہے آدمی, شائستگی کب آتی ہے اس کی زندگی میں, جب تک انسان جو ہے کیا ہے واجبات پر پوری طریقے سے عمل پیرا نہ ہو جائے اور محرمات سے اجتناب نہ کرنے لگے, ارتکاب محرمات کو نہ چھوڑ دے, اس وقت تک کیا ہے آدمی صالح نہیں ہو سکتا ہے, بلکہ مستحبات پر بھی عمل کرے اور مکروحات سے بھی پرہیز کرے تو جو ہے کیا ہے صالح, یعنی پوری طریقے سے اپنے آپ کو کیا ہے مطیع کردگار بنا دے۔ بندہ جب اپنے آپ کو پوری طریقے سے اطاعت کردگار میں کیا ہے غرق کر لے, تب جو ہے بندہ صالح اور واقعی کیا ہے لائق اور شائستہ ہوتا ہے۔
तब जो है वो अल्लाह और उसके रसूल यह हुक्म देते हैं कि नमाज में भी उसके ऊपर जो है वो क्या है, सलाम किया जाए, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। हाँ, अल्लाह के नेक और सालेह बंदों पर भी जो है वो क्या है, सलाम हो। नेक और सालेह होना आसान काम नहीं है, इसके लिए क्या है, अबुल फजल अब्बास जैसा किरदार चाहिए होगा, जिन्हें अब्दे सालेह होने का इम्तियाज हासिल है, शरफ हासिल है। क्यों? इसलिए कि वो क्या है, मुतीय खुदा थे, मुतीय रसूल थे, मुतीय इमाम थे। सही मामलों में इताअत गुजार होना होगा तो इंसान क्या है, तब कहीं जाकर के वो अब्द सालेह हो सकता है, शाइस्ता हो सकता है, अल्लाह के लिए नेक बंदा हो सकता है। अगला जुमला, वजअलनी फीही मिन औलियाइकल मुकर्रबीन, मेरे अल्लाह मुझे इसमें क्या है, तू अपने उन औलिया में, अपने उन मुहिब्बों में करार देना जो तेरी बारगाह से नज़दीक हैं, जो तेरी ज़ात से नज़दीक है, तुझसे नज़दीक है, करीब है ना, वली करार देना, अपना वली मुकर्रब, औलिया मुकर्रब में से करार देना, मुझे वली मुकर्रब बना दे, अपनी बारगाह का, अपने जो है वो क्या है, अपने लिए क्या है, नज़दीक बना दे। वली मुकर्रब, खूब नुक्ता है, वली बहुत से हैं, है ना, कहने को तो क्या है, वली बहुत से हैं, लेकिन क्या हर वली जो है वो मुकर्रब बारगाह इलाही है? नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर हर वली जो है वो मुकर्रब इलाही होता तो इस तरह से जुमले ना आते कि जो है वो मुझे उन औलिया में से जो तेरे मुकर्रब हैं, है ना, इसका मतलब है कि हर जो है वली मुकर्रब इलाही नहीं है। ये कुर्ब इलाही किसे मिलता है? उसे को जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, याद खुदा में मशगूल रहता है, सिर्फ और सिर्फ याद खुदा में, और कभी भी जो है वो इताअत करदगार से गाफिल नहीं होता है। और हाँ, एक खास बात है कि वो अल्लाह की इताअत भी सिर्फ और सिर्फ उसकी रजायत के लिए करता है, सिर्फ उसकी रजायत के लिए उसकी इताअत करता है। उसकी इताअत का मकसद ही यही होता है कि वो राजी हो जाए, वो राजी रहे। तो सिर्फ वो राजी रहे, ठीक है, तो क्या है, ऐसा आदमी क्या है, वली मुकर्रब हो जाता है। कोई ऐसा शख्स जिसके बारे में कोई दूसरा दावा कर सकता हो या खुद वो अपने बारे में दावा कर सकता हो कि मैं अल्लाह की इताअत और इबादत जो है वो किस तरह करता हूँ और किस लिए करता हूँ? नहीं, ये जिगर है सिर्फ और सिर्फ मौला अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का, जो ये इशारत फरमा रहे हैं मुनाजात में, इलाही मा अबदतुका खौफन मिन नारिक वला तमअन फी जन्नतिक बल वजदतुका अहलन लिल इबादती फअबदतुक, मेरे अल्लाह जो मैं तेरी इताअत कर रहा हूँ, जो तेरी इबादत कर रहा हूँ, ये तूने जो जहन्नम बनाई इसके खौफ में थोड़ी तेरी इबादत करता हूँ, ये जो तूने ये जन्नत बनाई है इसकी लालच में थोड़ी नहीं करता हूं, इसके हेयर्स में थोड़ी नहीं करता हूं कि जो है वो नहीं, इसलिए करता हूं कि जो जहन्नम की आग से मुझे बचना है। सिर्फ अली ही कह सकते हैं, अमीरुल मोमिनीन ही कह सकते हैं, इसलिए थोड़ी ना तेरी इताअत और इबादत करता हूं कि जो है वो जहन्नम की आग से बच सकूं या जहन्नम की आग से डरता हूं, और मैं इसलिए तेरी इबादत और इताअत करता हूं कि जहन्नम में जाने की लालच है और हेड्स है, जन्नत में जाने की आरज़ू थोड़ी ना है, जन्नत में जाने की हेड्स नहीं है, इसलिए नहीं इबादत। फिर
बल वजदतु का अहलन ले लो बात, इसलिए कि मैंने तुझे अहल पाया है इबादत के लिए, यानी जिसकी इबादत की जा सकती है वो सिर्फ और सिर्फ तू है। फाबतु, बस मैं तेरी इबादत करता हूं, और इसीलिए करता हूं कि तू अहल रहे, तू अहलियत रखता है इबादत की, सिर्फ और सिर्फ तू ऐसा है कि जिसके सामने सर झुकाया जा सके, सिर्फ तू ऐसा है कि जिसका सिर्फ तू ऐसा है कि जिसके सामने जो है वो सर तस्लीम खम किया जा सकता है, सिर्फ तू ऐसा है कि जिसकी इताअत की जा सकती है, सिर्फ तू ऐसा है कि जिसके लिए इबादत की जा सकती है, सिर्फ तू ऐसा है कि जिसके लिए हर सांस, हर नफस, हर लहजा वक्फ किया जा सकता है। कुर्बान जाए हमारी जाने, हमारे वालदैन उस अली की सीरत पर, जिनकी सीरत हमारे लिए और दुनिया के हर इंसान के लिए सुबह कयामत तक मशाले हिदायत है। जो चाहता है कि वो अपने आप को सालेह बनाए, मुकर्रब इलाही बनाए, शाइस्ता बनाए, लायक बनाए, है ना, नेक बनाए, ताइब बनाए, मुस्तग़फ़िरीन में शामिल करे, आबिद हो, मुती हो, वो अली अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनाए, उनकी सीरत को पढ़े, उनके किरदार को देखें, उनकी इबादतों के वो अंदाज को देखें, उनके तरीक़े इताअत को देखें। मुकद्दरात इलाही पर जो है वो उनकी रजामंदी को देखें, और बस आखिरी जुमला मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बिरहमतिका या अरहमर रहीमीन, ये सबसे ज्यादा रहम करने वाले परवरदिगार, तुझे तेरी रहमत का वास्ता, अपने रहमत के वास्ते से क्या है हम पर रहम करना, और यही हमारी दुआओं को कबूल कर लेना। आइए हम भी दुआ करते हैं, अल्लाह तुझे तेरी रहमत वासिया का वास्ता है, हमारी इन दुआओं को कबूल कर लेना, हमारी नमाजों को, हमारी तलावतों को, हमारे आमाल सालिहा को, हमारी रियाजतों को, हमारी तस्वीरों को, हमारी अस्तगफार को, हमारी नेकियों को, इन सब को मेरे अल्लाह मासूम अलैहिस्सलाम की वजाहत के तुफैल में शरफ कबूलियत इनायत फरमाना। और अल्लाह माह मुबारक रमज़ान में तुझसे ये दुआ है कि आज पूरी दुनिया आलमी वबा का शिकार है, माबूद हम सब को और पूरी कायनात को इस आलमी वबा से, मर्ज मूजी से, कोरोना जैसी मोहलिक बीमारी से सबको नजात दे। और मेरे अल्लाह तेरी बारगाह में शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरी बारगाह में हाजिर हो सकें, तेरी बेपनाह नेमतों से इस्तफादा कर सकें। यह सब मुमकिन ही नहीं था मेरे अल्लाह जब तक तेरा रहम करम, तेरी राफत और तेरा करम शामिल ना हो जाता। मेरे महबूब दुआ है अपने करम को, अपनी राफत और रहमत को इसी तरह से हमारे सरों पर बरकरार रखना, हम ये तौफीक देते रहना कि हम तेरी बारगाह में अपनी टूटी फूटी इबादतों के साथ हाजिर होते रहें, तेरी बारगाह में अपनी नेकियों को लेकर हाजिर होते रहें, जो कुछ भी हमसे बन पड़ता है महबूद हम तेरी बारगाह में लेकर के हाजिर हैं। बस महबूद मासूम अलैहिस्सलाम के शरफ व कमाल का वास्ता है, हमारे इन अमाल को शरफ़ कबूलियत इनायत फरमाना,
और हाँ ऐ खुदा, सबसे अहम तरीन दुआ ये है, हमारे मुहाफिज, हमारे मौला और आका, हमारे निगहबान और निगहदार, हमारे सरदार, हमारे ज़माने के इमाम, मुंतकिम खून हुसैनी, अपनी आखिरी हुज्जत इमाम असर के दहूर में ताजील फरमा और हम सबको उनके मुखलिस आवान अंसार में शुमार फरमा। व आखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम, व सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।